Hi guys, welcome back to my channel VVS Vlogs. I am Vinny Vetsing and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many more other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. So today is day 4 in Kashmir, Srinagar और आज हम जा रहे हैं local घूमने. आज हम यहाँ पे एक temple है खीर भवानी, उसको और might be mosque और बहुत सारे जो gardens हैं निशात garden और शालमा बाग वगैरह वो सब देखेंगे. तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से चलते. Look it. Say hi. Hi. What are you doing, Vivek? Coloring. Blue coloring. जय जयकर. तू कितने अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है. जय जयकर. तू मतलब नाम ऐसे क्यों है, खीर भवानी ये क्यों फेमस है? अच्छा, खीर का भोग लगता है. खीर तो हमेशा चलते रहते हैं. अच्छा, कुछ उनका भी स्टोरी है. पार्वती. अच्छा, इसका एक्चुअल जो पानी है ना उसका कलर चेंज होता है. ये जल रूपी माता है. अच्छा, जल की पूजा करता है. अच्छा, जब बाढ़ आया था हाँ उस टाइम वो भी काला हो गया था. अच्छा, जब वो करगिल लड़ाया था उस टाइम भी काला हो गया था. अच्छा अच्छा, इनकी कुलदेवी. अच्छा, कश्मीरी बोल. अच्छा अच्छा, आपने जय जय करी थी यहाँ पर? यस. ट्वाइस ऑलरेडी और ये मेरा तीसरी बार मैं यहाँ आ रही हूँ. और पहली बार मैं इसको ऐसा ड्राई देख रही हूँ. और ऑब्वियसली स्नो की वजह से जो है अभी सारे ट्रीज़ के जो लीव्स है वो गिरे हुए हैं. और तो ये गार्डन अभी उतना सुंदर नहीं लग रहा जितना सुंदर ही लगता है. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर अभी थोड़े थोड़े से फ्लावर्स के स्प्राउट्स दिखने शुरू हुए हैं. अदरवाइज ये पूरे फ्लावर बेड होता है यहाँ पर. और यहाँ पे पूरा पानी होता है, स्ट्रीम होता है, फाउंटेन होता है, पूरा यहाँ पे पानी गिर रहा होता है. इतना सुंदर लगता है. हर तरीके के रोज़ प्लांट्स यहाँ पे हैं, हर शेड के रोज़ेस होते हैं. बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन. बट अभी स्नो की वजह से सब लीव्स और ये सब मरे पड़े हैं. और अब क्योंकि मार्च अप्रोचिंग है तो ये थोड़े बहुत फ्लावर्स वापस आने शुरू हुए हैं. जून में अप्रैल, स्पेशली अप्रैल तक सब कुछ वापस ग्रीन हो जाता है. और ये पार्क बहुत ही सुंदर लगता है, ये बाग. ये देखो, ये सब जगह फाउंटेन चल रहे होते हैं जो सब अब सूखा पड़ा है. स्नो है यहाँ पर, पता नहीं
गर्मी में चलता हूँ। बिटू आओ। ये है चिनार का लीव जो कि ऑब्वियसली सूख कर अभी गिर चुके हैं। कितनी सुंदर लग रही है ये लीव। आई एम स्टैंडिंग इन मुगल गार्डन शालीमार फ्रॉम लास्ट 300 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली विद अ हाइट ऑफ मोर देन 150 फीट। आई हैव अ लार्ज क्राउन विद वंडरफुल स्प्रेडिंग ब्रांचेस। आई एम वन ऑफ द नेचुरल विटनेस ऑफ मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिंबल ऑफ लव। पीपल रिलैक्स अराउंड माई ट्रंक, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड आई कीप देम सीक्रेट इन माई वेन्स ब्यूटिफुली कार्व्ड ऑन माई लीव्स। बिसाइड मी देयर आर अदर माइटी चिनार्स थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कश्मीर वैली। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर यू कैन विजिट अदर मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। लुक एट दिस ब्यूटिफुल फ्लावर बेड। ये ट्री है, ट्री और जो फ्लावर बेड है वो स्टार शेप में है। ऐसे ही यहाँ पे जो फ्लावर बेड है ये चिनार के लीफ की शेप में है। यू कैन सी दैट पर्पल फ्लावर्स स्प्राउटिंग। तो हमें आज दोनों गार्डन कवर करने थे, मुगल शालीमार बाग और निषाद गार्डन भी। बट शालीमार बाग का ऐसा हाल है तो मैं समझ सकती हूँ कि निषाद गार्डन भी सेम ही होगा। वहाँ पे भी पानी और फ्लावर्स जो मेन अट्रैक्शन है वो चीज़ नहीं होगी, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं उसे देखने का। अदर देन दीज टू फेमस गार्डन्स देर इज़ ट्यूलिप गार्डन ऑल्सो, बट वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में खुलता है। और ट्यूलिप्स जो हैं वो सिर्फ तीन जगह पाए जाते हैं, एक कश्मीर में, एक स्विट्ज़रलैंड में और एक पार्लियामेंट हाउस में। और अभी हम जा रहे हैं वापस और खाना खाएंगे, लंच करेंगे। शायद हम वही सेम कृष्णा ढाबा पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सो सी यू देयर, बाय। ये तो ऐसे ही है, मतलब ये पहले शूटिंग करते थे यहाँ, मतलब किसी को अलाउड नहीं था जाने के लिए। आप तो जब शूटिंग वूटिंग बंद हो गए आप तो अलाउड करते हैं सब कुछ।